बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के समर्थन में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हर्षवर्धन सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने हर्षवर्धन और उनके समर्थक बीजेपी नेताओं को चूहे की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जहाज है, उसमें से यदि दो चार चूहे निकल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं को चूहे जैसे कीड़े मकोड़े की तरह ही नजर आते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसकी ही कद्र है। लोग भारतीय जनता पार्टी कारण मुझे जानते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी कारण अर्चना जी को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर हुआ मतलब लोगों के दिल से बाहर हो गया। हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत के सूर दिखा दिए, पार्टी निष्कासन की ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करती? कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी एक जहाज है, यदि उसमें से कोई दो चार पांच चूहे बाहर निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं। नंद कुमार सिंह चौहान का एक बड़ा नाम था, उनके बेटे ने बगावत की, पार्टी ने कभी सोचा था ऐसा? देखिए, नंद कुमार सिंह चौहान जी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया, मैंने स्वयं ही उसके पहले इस्तीफा दे दिया था और ये चीज आप सभी को पता है। पार्टी ने तो कल लेटर निकाला, उसके दो दिन पहले हम लोग सब इस्तीफा दे चुके थे, 3 तारीख को ही दे चुके थे। देखिए, मुझे चुनाव में खड़ा करने वाले मेरे दोस्त नहीं, मेरे वरिष्ठ हैं और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता है। मेरा ये कहना है कि ये जो जनसैलाब था जिन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने का आदेश दिया, ये कोई मेरे दोस्त नहीं है, यहाँ के मतदाता हैं और इन्हीं के कहने पर मैं खड़ा हूँ। रही बात त्याग की, तो पिताजी ने तो हाँ बिल्कुल त्याग दिया, उनका जीवन तक त्याग दिया उन्होंने पार्टी की सेवा करते करते, पर उस त्याग को पार्टी ने समझा कहाँ? आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही, हमारे बड़े हैं ठीक है, लेकिन उनके सुपुत्र को टिकट दिया गया था। पिछली बार मेरा टिकट परिवारवाद के नाम पर रोका गया था, कैलाश जी के पद पर होते हुए उनके सुपुत्र को क्या टिकट नहीं दिया गया? तब कहाँ गई थी नसीहतें और तब कहाँ गया था?